लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के बीच अलवर गैंगरेप पर सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलवर गैंगरेप कांड पर चुप रहने के सवाल पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पलटवार किया है। मायावती ने कहा कि उचित कार्रवाई नहीं होने पर वह राजनीतिक फैसला लेंगी। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को गुजरात के ऊना कांड और रोहित विमुला मामले में निशाने पर लिया। बता दें कि यूपी के कुशीनगर में पीएम मोदी ने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह अलवर कांड के मुद्दे पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार से अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लेती। सोमवार को कुशीनगर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलवर में हुए दलित महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में मायावती पर सीधा हमला बोला था। उन्होंने कहा कि बीएसपी के सहयोग से चलने वाली राजस्थान की कांग्रेस सरकार से मायावती को तुरंत ही अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। इस पर मायावती ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को दलित महिला के साथ हुए सामूहिक अत्याचार के मामले में घृणित राजनीति नहीं करनी चाहिए। मायावती ने कहा कि अगर अलवर मामले में वहां की सरकार कोई कड़ी कार्रवाई करेगी तो निश्चित तौर पर उनकी पार्टी राजनीतिक फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से कैसे निपटना है यह बीएसपी को अच्छी तरह से पता है। मोदी की टिप्पणी पर मायावती ने गुजरात के ऊना दलित कांड से लेकर रोहित विमुला कांड समेत दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर घेरते हुए पीएम मोदी से उनके इस्तीफे की मांग कर डाली। रविवार को कुशीनगर की रैली में पीएम मोदी ने मायावती को अलवर कांड पर घेरा। इसके बाद पलटवार करते हुए बीएसपी प्रमुख ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को राजस्थान में हुई घटना के साथ साथ बीजेपी सरकारों में हो रहे दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में भी सोचना चाहिए। जिन राज्यों में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं वहां की बीजेपी सरकार क्यों नहीं अत्याचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। पीएम को घृणित राजनीति नहीं करनी चाहिए। मायावती ने प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर कहा कि बीएसपी अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस से राजनीतिक तौर पर कैसे निपटना है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस से निपटने की पूरी कार्ययोजना तैयार है। समय आने पर सबको इसकी जानकारी हो जाएगी, लेकिन बीजेपी को ऐसे मामलों में संवैधानिक अधिकार का निर्वहन करना चाहिए, न कि घृणित राजनीति करनी चाहिए। पति के सामने हुआ था महिला का गैंगरेप। राजस्थान के अलवर में एक दलित महिला से उसके पति के सामने गैंगरेप का दिल दहलाने वाला मामला सामने आया था। गैंगरेप केस में पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार घटना 26 अप्रैल को हुई, जब आरोपियों ने उसे और उसके पति का रास्ता रोका और एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके पति के सामने उसका गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने अपराध का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया। अलवर एसपी के खिलाफ हुई थी कार्रवाई। इस मामले की पुलिस की घोर लापरवाही सामने आने के बाद मामला और अधिक सुर्खियों में आया था। पुलिस ने 2 मई को एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद जिले के एसपी राजीव पचार को पूरे मामले को ठीक ढंग से नहीं संभालने और गैंगरेप की गंभीरता का आकलन करने में असफल रहने पर प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया था।